आप सभी अपने घरों में अक्सर ही ये देखते होंगे कि घर परिवार में किसी न किसी वजह से परेशानियां जो हैं वो बनी रहती हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कई परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल इन सभी के पीछे वास्तु दोष बताया जाता है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में इस बात का जिक्र किया जाता है कि वास्तु दोष की वजह से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है, घर में कलह कलेश बना रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, घर में सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए आपको कुछ वास्तु के उपाय अपनाने की जरूरत है, जिससे आपके घर की नकारात्मकता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं आपके घर से हर एक वास्तु दोष दूर हो जाए, तो ऐसे में आपको घर में गणेश प्रतिमा का विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा घर के अंदर रखने का बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। आप अपने घर के अंदर दक्षिणावर्त गणेश जी की प्रतिमा को उत्तर पूर्व या फिर पूर्व में लगाएं। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि घर के अंदर कई गणेश जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर ना रखें। जी हाँ, ज्यादा गणेश जी की तस्वीरें घर के अंदर रखने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब आप भगवान गणेश की इस दिशा में यानी कि उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में गणेश मूर्ति या फिर उनके चित्रण को स्थापित करते हैं, तो इससे आपके घर में धन का आगमन भी ज़्यादा होने लगता है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की भी वर्षा होने लगती है जब आपके घर में गणेश की प्रतिमा सही दिशा में होती है। तो अगर आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, तो ज़रूर दें और एक बार अपने घर में ज़रूर देखें कि गणेश प्रतिमा किस दिशा में स्थापित है। अगर आप भी चाहते हैं धन का आगमन, माँ लक्ष्मी की कृपा, धन की वर्षा आपके घर में लगातार होती रहे, तो आपको इस नियम का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आशा है आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।